मुझे ना अंकित भी बोल रहे थे कि तू थोड़ा मम्मी मम्मी कम किया कर। दादी दादी पड़ती है बाबा बाबा गुड मॉर्निंग पर एक्साइटेड फॉर द फंक्शन नो व्हाई ठंड लग रही है बिकॉज ऑफ योर कॉस्ट्यूम है ना दिखाओ जरा कॉस्ट्यूम दिखाओ अरे वो तो देखनी पड़ेगी ना वहां फंक्शन कैसे करोगे आदिवासी फिर ऐसे तो रहते थे सो अब हम करेंगे मतलब मैं करती हूँ फिलहाल पर्व को रेडी और दीदी भी हेल्प करेंगे अभी दीदी किचन में है बनाने चाय चलो फिर तैयार करते हैं आदिवासी हूँ सुबह का टाइम हो रहा है कितने बज रहे हैं कितने बज रहे हैं 7:48 हो रहे हैं तो यहाँ पे पर्व हो चुका है रेडी आदिवासी की मम्मी इधर दिखाओ पर्व फुल लुक तो दिखाओ ना इतनी मेहनत की है जो कॉस्ट्यूम के लिए हमने अच्छा लगा आपको सही है सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा मुझे लगता भाला है ना भाला सबसे अच्छा वही लगा उसी को लेके ज्यादा एक्साइटेड हो रखे हो चलो ठीक है ऑल द बेस्ट अच्छे से करना फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल के साथ ठीक है थैंक यू वेरी मच तो दादा यू आर वेलकम सो गाइस मेरी मम्मी लेके आ चुकी है मेरे लिए ब्रेकफास्ट और अभी टाइम हो रहा है 9 बजने को है तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ ये मम्मी ने बनाए परांठे पालक का आटा गूंद के उसके अंदर गोभी की स्टफिंग की है साथ में दही है घी है और मेरे पास है अचार और टेस्टी है वाला भी खट्टा मीठा टाइप्स माँ के हाथ के खाने का स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है इतनी टेस्टी बना लगाती है ना मम्मी पूरे मतलब एवरी बाइट में हर बाइट में ना आपको स्टफिंग मिलेगी यार इतना मस्त मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा हो एकदम अच्छे से फुल गोभी की स्टफिंग है गरम गरम वाह माँ की ममता एक मिनट थैंक यू मम्मी मम्मा थैंक यू थैंक यू सो हाय गाइस आई एम बैक एंड मैं अब उठ रही हूँ सो के और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 11:30 सुबह के 11:30 बज रहे हैं क्योंकि आई थिंक 11:30 से ज़्यादा ही हो गया टाइम यस और मतलब इतना देर तक अभी भी मैं बेड से नहीं उठी हूँ बिकॉज कल से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर पेन बिकॉज ऑफ माई मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स एंड पता है क्या इवन स्टिल टुडे इन आवर सोसाइटी वी आर नॉट एबल टू टॉक ऑन दिस टॉपिक ओपनली आई डोंट नो व्हाई बट शायद पहले से ऐसा चलता आ रहा है शायद इसीलिए बट इट्स नेचुरल एंड कोई शेमफुल बात नहीं है इसमें बट यस बहुत पेनफुल ज़रूर है शेमफुल तो नहीं है तो बस वही उसी की वजह से कल दिन से मतलब मैं बहुत मेरी हालत ख़राब थी एंड पूरी रात भर मैं नहीं सो पाई थोड़ा सा भी ठीक से और इवन जब आधे घंटे की नींद आ भी रही थी तो मुझे पता लग रहा था कि मैं बहुत बुरे पेन में हूँ सो यस एंड सुबह जल्दी भी उठना था बिकॉज दीदी जो है जो आपको पता ही है मेरी पड़ोस में दीदी है उनके बेटे को रेडी करना था एक्चुअली थोड़ा सा फाउंडेशन मेकअप एंड ऑल तो दीदी ने कहा था कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना वो काफ़ी टाइम से लगे थे मेरे पीछे तो मुझे ऐसे किसी को फिर ना करना अच्छा नहीं लगता ठीक है क्योंकि कोई अगर इतने उससे बोल रहा है कुछ समझ के हमें बोल रहा है और किसी होप के साथ बोल रहा है तो मना करना तो बिल्कुल भी फिर ठीक है इतना कोई बहुत महान काम नहीं किया मैंने वैसे भी नींद तो मुझे आई नहीं थी बट ठीक है तो किसी की खुशी के लिए या फिर किसी की मदद के लिए और छोटी मोटी मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं और इसमें कोई बहुत महानता वाला काम नहीं है सो फिर सुबह उठना था दैट्स व्हाई एंड रियली रियली थैंक्स टू माई मॉम यार मतलब मॉमी को तो क्या थैंक यू बोले ना हम लोग पता है मैं ना कल से यही सोच रही हूँ अब पता है मैंने वैसे ना मैं आपको बताती हूँ मैं ना लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ तो उसमें ना वो ना एट प्रेजेंट की बात करते हैं फिर एट प्रेजेंट का आप लोगों के साथ शेयर करते हैं मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली लेकिन मेरे ब्लॉग्स जो हैं मेरी वीडियोज़ हैं ना उसमें मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मेरे ना फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला है ये कि तू बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती है तो कम बोला कर और तेरे जो
सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो तेरी यूट्यूब फैमिली है वो तेरे से बोर हो जाएगी यार, बट अब मैं क्या करूँ, ये मेरा अपना वे है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का, और मैं भी ट्राई करती हूँ कि आपको बोर ना करूँ, बट मैं ना बोलते बोलते आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं और मुझे अच्छा लगता है इवन कि आप लोगों के साथ शेयर करना अभी तक तो मतलब अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप लोग मुझे कुछ ऐसे बोलते भी नहीं हो नेगेटिव। हाँ, अगर आप बोलोगे कि तुम मत बोला करो इतने व्लॉग में, तो ठीक है मैं ट्राई करूँगी कि मैं ना बोलूँ, बताना आप मुझे ज़रूर कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ। सो मैं कभी अपने पास्ट में चली जाती हूँ, कभी फ्यूचर में चली जाती हूँ, जो जैसा सोचती हूँ ना मैं आपके साथ वैसा अपने जो थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ बस, और पता नहीं अब सही करती हूँ या गलत करती हूँ, बस बोल देती हूँ। तो बस मुझे कल से ये बड़ा वो यार, मेरी मम्मी मतलब इतना लगे रहते हैं, वैसे हर किसी की मम्मी लगती है, और पता क्या, हाँ अभी मम्मी मम्मी में बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे ना अंकित भी बोल रहे थे कि तू थोड़ा मम्मी मम्मी कम किया कर, तेरे फैंस तो जो तेरी फैमिली है यूट्यूब फैमिली वो ये सुन के भी बोर हो जाएगी कि मम्मी मम्मी मम्मी, बट यार मेरे जो सोचती मैं जो फील करती हूँ सो मैं बोल देती हूँ। सो यस मम्मी मतलब इतना लगे रहते हैं यार, जैसे कि बेड से नहीं उठने दिया मुझे ना, सच बता रही हूँ, अपना फ्यूचर को सोच के ना बहुत डर लगता है यार, कि इतना प्यार, इतना मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये अटैचमेंट भी ना अच्छी तो है, पर अच्छे होने के साथ साथ ना बुरी चीज़ भी है, बुरी इसलिए कि कल के दिन अब अकेले लाइफ को जीना है या फिर जो भी है, आप शादी तो यार होनी है ना, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। तो यार ऐसा गर्ल्स के साथ ही नहीं, बॉयज़ को भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए भी है वो चीज़। तो फिर कल के दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और मुझे लगता है कि मेरे को तो हर स्टेप हर मोमेंट पे इतना फील होगा ना, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पैम्पर कर रखा बच्चा हूँ अपने घर में, एक तो मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ अपने घर में, नहीं इवन मेरी पूरी फैमिली में, तो बचपन से बहुत चीज़ें वैसे मिली हैं, और मेरा भाई मुझसे छोटा है लेकिन वो फिर भी वो स्ट्रांगली कर लेता है, और मैं थोड़ा सा वैसे हो जाती हूँ, अब पता नहीं अपने घर में ही ऐसे करती हूँ कि कल के दिन हाँ मुझे बड़ी टेंशन होती है, और मुझे बड़ा फील होता है कि यार मम्मी कैसे लगे रहते हैं, मतलब हर चीज़ ऐसे। सो अंकित भी बोलते हैं बस करा कर थोड़ा खुद से उठा कर, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज कि मैं ज़्यादा इमोशनल ना हूँ और प्रैक्टिकली सोच के चीज़ों को आगे बढ़ के करूँ, ठीक है उनका कहना भी गलत नहीं है, बेटर मैं इमोशनल हो जाती हूँ इस मोमेंट पे, बस मम्मी आई लव यू सो मच यार, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए तुम्हें सारी सारी खुशियाँ मिले, मतलब यार वैसे तो हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है, और ये मेरा हर व्लॉग में ही रहता है, मतलब जब भी मेरा माँ का टॉपिक आता है, इवन जानवर की जो माँ होती है ना, वो माँ का मुझे लगता है जो आत्मा है जो दिल है वो है, होता ही ऐसा है। तो बस क्या कहूँ, 5 मिनट हो गए देखो बोलते बोलते, अब मुझे लगता है अब तो सच में ही बोर हो गए होंगे, देखती हूँ दिनचर्या क्या करती हूँ, खड़े उठती हूँ अभी थोड़ा ठीक बेटर फील कर रही हूँ, और करती हूँ देखती हूँ दिनचर्या क्या रहती है, आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ छत पर और एकदम हॉट वाटर बाथ लेके, एंड नाउ आई एम सुपर डुपर फ्रेश एंड फीलिंग फार बेटर देन बिफोर। तो लंच करने आए थे और मैं दिखाती हूँ लंच में आज क्या क्या है, धूप भी थोड़ी हल्की मिची है और रोटी सब्जी दही मम्मी का, मेरा ये पालक का काफ चावल एंड सैलेड। मम्मी तुम्हारी यह वीडियो मैंने बहुत हद से ज़्यादा तारीफें कर रखी हैं। ऐसा भी क्यों यार, क्योंकि तुम तारीफें काबिल हो। नहीं यार, सबकी मम्मी होती है, मेरे लिए तो मेरी मम्मा है ना मम्मा। मम्मी लव यू मम्मी, खाना खाओ। दिमाग मत खाओ, खाना खा रहा है। दादा की अनलिमिटेड बातें चल रही है, तो मैं उनके साथ बातें कर रही थी, आपको दिखाती हूँ। तो हुआ 300 रुपया 1900 का ढाओ तो ये या खोज पहले कर दी थी तुम, वो जो आज यही दिन दादा ने मेरे साथ बहुत सारी बातें कर ली, और आज इनका मुझे लगता है अमिताभ बच्चन वाला लुक है। अटेंशन अटेंशन, वाओ क्या बात है, गजब, पीछे झंडा भी लहर रहा है। बाय 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 बाबा नहीं पापा, बाबा नहीं चू, बाबा 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 बोल, अब बोलो बोलो ना बाबा बाबा, बाबा बीमार है ये, बाबा 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 बाबा।
बाबा टॉक्स बाबा बाबा हाँ बाबा 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 हाय हाय हमारे पड़ोसी का बच्चा बेबी बेबी अब देख नहीं रहा बेबी ये कौन है ये कौन है ये कौन है पूजी पूजी ये है पूजी पूजी इसका बर्थडे मंथ भी मेरे बर्थडे मंथ वाला है अप्रैल कब आया था इसका बर्थडे कब बोला है 8 तारीख को 8 देने के लिए बोल रहे हैं ना आपने नहीं लेना उसको कौन आया है हमारे घर अभी अभी एक मिनट क्या नमस्ते नमस्ते कुछ नमस्ते नमस्ते क्या आगे नमस्ते दीदी तो बोलो बोलो नमस्ते दीदी हाथ जोड़ कर बोलो ना यार प्लीज दीदी नमस्ते चीते रहो अभी ओए गंदी बैड मैनर्स अभी नो अंशिका यू आई नहीं है तब से कहाँ थे एक दोस्त मिले नहीं है दो रूम मिलते हैं नमस्ते दीदी कैसे बात ठीक बात ठीक है मैंने कहा कहाँ चले गए हम ही पार्क आ रहे थे पता है हमने कहा हम चलते हैं पार्क देखना इसका उधम का खोल यार खोल यार इधर भी इधर क्या तो हमारी है ये शाम की चाय दीदी के साथ कैसे बच्चों ने अटैक बिस्किट पे तो अब पीते हैं हम चाय शाम की और जब से बैठे हुए थे हमने काफी गप्पे मारी 5:30 हो गए हैं और बस चाय पीते हैं चाय पी लो तुम्हें भी ले आऊंगी दूसरे रूम में बैठे हुए हैं आगे वाले रूम में नहीं बैठे क्योंकि हमारा अड्डा यहीं रहता है सर्दियों के टाइम पे पीछे वाले रूम में अभी 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 फोन में बिजी कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है बिस्किट खा के बिस्किट है गंदा छोड़ दो बिस्किट छोड़ दो कैसा है सो पीते हैं चाय गर्मा गर्म है जल्दी दो ओए बाप रे कितना हल्ला मचा रहा है दिखा अपने लोगों को शक्ल दिखा देना जनता को कितना शोर मचा रहा है फोन पे लगे रहते हो ना आप भी तो लगे हो फोन पे सही कह रहा गजब बेइज्जती है सही कह रहा है बच्चे सही कह रहा है चाय भी तू ठंडी जाएगी चलो भाई दूसरी बार का कोटा भी पूरा कर रहे हैं दूसरी बार चाय पी रहे हैं हम लोग हमारे पहाड़ियों के खून में खून नहीं चाय दौड़ रही है तो गाइस हम लोग आए थे यहाँ पे मोमोज खाने के लिए बाहर अभी वो भी स्पेशलिस्ट की डिमांड पर अभी इधर देखो अभी अभी कैसा लग रहा है अच्छा खाया नहीं अभी खाया नहीं गर्मा गर्म मोमोज तो दोस्तों हम ना मोमोज खा के आ चुके हैं और मेरे को मिली रास्ते में पूजा ओह माय गॉड बिग सेलिब्रिटीज कभी कभी दिखते हैं ये लोग आज इनके बॉडीगार्ड नहीं आए थे तो मैंने हेलो हाय कर ली बस बस तो अभी फिर पूजा आई है तो मैंने कहा सेंटा होने का फर्ज निभा दे तो कुछ खिला दे खिला दे पैम्पर नहीं करोगी अपनी बेबी को करेगी चल सो देखते हैं अभी पूजा फेक स्माइल करने पाला चलो ठीक है खिला रही हो हाँ मैं तो तेरे को केक खा लेते केक कौन है सो हम आए हैं क्लासिक 44 द प्रीमियम बेकरी और कुछ नहीं कौन सा खाएगी मुझे कुछ हॉट खाने का मन कर रहा है हॉट स्वीट तुझे हॉट गुलाब जामुन खा ली थी तुझे बहुत नहीं पता शर्म नहीं आ रही तुम्हें क्या खाएगी So finally, हमारी पेस्ट्री आ चुकी है हॉट कौन सा था ये न्यूट्रेला केक हिला क्यों रही हो इतना बताओ जरा क्या चाहती हो जिंदगी से स्टैंडी अच्छा सेल्फी स्टिक वाला खिला दो स्पेशल फील करवा दो अभी क्रिसमस तो बता दो कल हो मुझे डर है सारी भाग फिर को तुम्हें और खा यम्मी अंडी आप भी खाओ पूरा घुसो टेस्ट के अंदर पूजा मैं पूछूंगी अपने ससुराल वाले से अगर वो ऑफर दे पूजा को साथ लाने का क्या करूंगी तेरे घर में मैं आएगी वहां पे मैं करूंगी क्या सारे घर का काम और मैं तो लेटी रहती तो
पैंपर गिरेगी यहाँ पे, देखो खाना पिलाना 3 घंटे वो भी 3 घंटे नहीं तीन टाइम। सही बात है, तो मुझ पे भारी पड़ जाएगी वहाँ पे आके। बत्तख की तरह चबा रही है, बत्तख की तरह चबा रही है। मज़ा आ गया, क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। पूजा में सब हो गई, भगवान ने भी सब पूजा को सेंटा बना के कनेक्ट। संता कल है, संता कल आएंगे तो मेरा खरीदा हुआ होगा। हाँ ये तो है, बेचारी आंटी देख रही मेरी बेटी को, लड्डू खा ले। खा खा, सुबह सोई नहीं है तू, कल से व्हाटएवर। घर आने के बाद डिनर की है तैयारी, और डिनर में बना है मटर मशरूम एंड रोटी, और साथ में है अचार जो कि मुझे बहुत पसंद है, खट्टा मीठा टाइप। सो यहाँ मैं चपाती हूँ। पूरी दिनचर्या में कुछ खास तो नहीं था, पर जो भी था मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया। और ये आ गई मैं अपने घरेलू अवतार में, और खाना खा लेती हूँ, फिर देखती हूँ अब ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँ या फिर अगर कुछ अभी किया तो देखूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस यही है यार, सिंपल रूटीन मेरा, कुछ नथिंग स्पेशल, और आज का दिन तो ऐसे निकल गया। सो कर लेती हूँ अपना डिनर। तो रात का डिनर करने के बाद मैं अपने लिपन आर्ट पे लग गई थी, और उसे करते करते रात का 1:30 बज गया। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं सोचती हूँ चले इसे ख़त्म कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि जब ये बनकर रेडी होता है ना और मेरे घर वाले देखते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है जब वो इस चीज़ को घर पर डेकोरेट करते हैं, और जब वो ये कहते हैं ना कि ये प्रिया ने बनाया था, तो ये सुनकर और देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ना मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, बट उससे पहले एक छोटा सा मैसेज मुझे आपके साथ शेयर करना था कि अगर आपके आसपास कोई भी वुमेन है, आपकी मदर, वाइफ, सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी, इफ़ दे आर गोइंग थ्रू देयर मेंस्ट्रुएशन टाइम, उस टाइम पर अगर आप उन्हें लव, अफेक्शन, केयर थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखा देंगे तो शी विल फील वेरी हैप्पी। इनफैक्ट वो कोई भी इंसान हो, अगर मैं यहाँ पर वुमेन एंड मैन की बात ना करूँ, तो अगर आप उनका दर्द बांटते हैं तो दर्द कम हो जाता है हर चीज़ का, हो चाहे वो इमोशनली चाहे फिज़िकली हो। सो बस यही कहना था, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यार यूं ही देना। जल्द मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, लव यू गाइज़।